हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, और मॉक टेस्ट नंबर है ये 7। 6 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन मॉक टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। 1 से लेकर 6 तक आपको मॉक टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। हर मॉक टेस्ट में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन शामिल किए हैं, ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC MTS का है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC CGL Tier 2 का एग्ज़ाम है, या फिर IB का एग्ज़ाम है, या अदर कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन मॉक टेस्ट को आप केवल ये ना माने कि केवल इसी टाइम के लिए ही बेहतर है, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतर रहेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये मॉक टेस्ट वाला सिस्टम लगातार जारी रहे, और इसी तरह से हम आपको डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जब हम आपको एक मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड करा पाते, वरना हमारी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि एवरी डे आपको एक मॉक टेस्ट तो कम से कम मिले। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 इफ दे आर इंक्रीज बाय 100% 200% एंड 200% रेस्पेक्टिवली देन कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। ठीक है, तो अब हमें किसी घनाभ होता है क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। अब अगर हम इस पे 100% अगर हम इसको इंक्रीज करना है तो आपको 1 का 100% 1 ही होगा, और 1 इसमें इंक्रीज करेंगे तो बन जाता है 2। ठीक है, अब 2 में इंक्रीज करना है 200%, यानी कि 200%। अब 2 का 200% कितना होगा, 4। 2 का 200% आप निकालेंगे तो 4 ही तो होगा, तो 4 होगा, 4 इसमें इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाता है। और 3 में भी 200% ही आपको इंक्रीज करना है, तो 3 का 200% होता है 6, और 6 को 3 में प्लस करेंगे तो बन जाता है 9। तो आपका जो नया आयतन बनेगा वो बनेगा 2 6 9। तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए, 9 6 15 और 2 17। तो आपका जो कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी, यानी कि जो अब नया आयतन आया है वो पुराने आयतन के मुकाबले 17 टाइम्स होगा, यानी कि 17 गुना होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 6√3 cm, रेशियो ऑफ इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज। तो विकर्ण हमें दिया हुआ है घन का, वो है 6√3, और घन का जो विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है L√3, लेंथ रूट थ्री, 6√3 के इक्वल रख देंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो L = हो जाता है आपका 6। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि A हमें निकालना है, तो वो कितना होता है, 6L² फार्मूला होता है, 6L की वैल्यू दी हुई है, तो 6 × 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 × 36 = 216। और फिर वॉल्यूम निकालना है, आयतन का फार्मूला होता है L³, तो 6 का क्यूब करेंगे आप कितना होगा, ये भी 216 ही होगा, 6 × 36 = 216। तो एरिया वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, ये तो 216:216, ये तो 1:1 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली रख लेते हैं, यहाँ पर अपॉन में रख के भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे बता दिया है आपको, तो और भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आप ए रखिए, ए अपॉन वी रखिए, = 6L² / L³, और सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें डी आई से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL Tier 2 में, 2013 में आया था ये वाला क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक पर एक ही क्वेश्चन पूछा था, तो हिस्टोग्राम है, और द स्टडी ऑफ हिस्टोग्राम ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मैन एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पर पूछा है एवरेज नंबर ऑफ मैन पर इंटरवल हु पार्टिसिपेट इन दिस सर्वे इज, यानी कि सर्वे में शामिल होने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या बतानी है। अब सर्वे में शामिल हैं तो पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं 100,
प्लस करेंगे पर ये हो जाता है 220 प्लस ये वाला, ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाता है आपका, ये हो जाता है 300 प्लस, अब ये हो जाता है 200 और प्लस यहाँ पर है 250। इन सबको आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे 100, 220 हो जाएगा 320, 320 और 300 हो जाता है 620, 620 और 200 हो जाता है 820, 820 और 250 हो जाता है 1070, 1070 हो जाता है। और टोटल दिए हुए कितने हैं इसमें, मैन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मैन ये दिए हुए हैं और औसत संख्या पूछी है इनकी, तो जितने भी ये बार बने हुए थे 1, 2, 3, 4, 5 उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 5 × 10 और 14 × 5 = 70, 214 हमारा आंसर आ जाता है, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया आपको, सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछा है इसी एक ही बार से, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि 4 घंटे 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वह अपने एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो अब ये एलसीएम का क्वेश्चन है, आपको केवल 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। आपने एलसीएम निकाल लिया इसका, जो भी आपका एलसीएम होता है आप निकाल लेंगे इसको, तो 8 × 72 और 72 × 5 = 360, 360 हो जाता है इसका एलसीएम, ठीक है, आप इसको चेक कर लेना, 360 एलसीएम हो जाएगा। और 360 एलसीएम को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 6 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है। तो समझ में आया क्या करना है, केवल इनका 5, 6, 8, 9 इनका आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो होगा वही आपका आंसर होगा, उसको मिनट में बस कन्वर्ट कर लेना है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो जाता है एससीएफ का, और क्वेश्चन है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 तथा 1027 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एससीएफ निकालना है इन दोनों का, लेकिन उसको निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शेष वाली कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको क्या करना है, 989 से पहले आपको माइनस करना है 5, ठीक है, 984 हो जाएगा, और यहाँ है 1327 और इसमें से माइनस करना है आपको 7, ये हो जाता है 1320। तो इन दोनों का आपको एससीएफ निकालना है, और एससीएफ निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है भागफल विधि से ही सबसे सही निकलता है, तो सही मैं आपको बता देता हूँ, 984 एकम 984 बचेगा यहाँ पर, 6 और 11 में से 8 गया 3 और 13 यहाँ 12 बचेगा, 12 में से 9 336, 984 को उतार लेते हैं, दो बार में जाएगा, ये हो जाएगा 672, 36 × 72 3 × 6, ठीक है, 2 और उतार लेंगे 1 और ये हो जाएगा 312, फिर 312 से फिर भाग करेंगे किसको करेंगे, 336 को, ठीक है, एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 312, 312 में से बचेगा फिर 24 और 24 से अब की बार भाग देना है, इसको साइड में कर लेते हैं, 24 से अब की बार भाग देना है 312 को और 24 से कम 24 बचेगा कितना 7, 24 × 72, तो 24 से ये संख्या पूरी तरह से कट गई, तो 24 ही हमारा एससीएफ हो जाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जहाँ तक आपको तब तक ये वैल्यू डिवाइड करनी होती है जब तक आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता, और जब डिवाइड हो जाता है तो जिस नंबर से डिवाइड होता है वो इन दोनों का एससीएफ होगा, यानी कि 984 और 1320 में केवल 24 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कॉमन ली जा सकती है, या 24 से ये दोनों संख्या काटी जा सकती है। अब क्वेश्चन है कि 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर औसत चाहिए था, यदि 15वें ओवर के अंत में उसका नेट रन रेट 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात करें।
अब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 में, तो ये बन जाता है 144, 2 दुनी 4 और 7 दुनी 14, 144, ठीक है। अब 15 ओवर में बने 6 के औसत से, 6 के रन रेट से 90 रन, तो आपको क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर लेना है, तो आपके पास बचेगा 54। आप आपके पास ओवर कितने हैं, 20 ओवर में 7.2 के रन रेट से 144 रन बनाने थे, ठीक है, 15 ओवर में 90 रन बने, 5 ओवर बचते हैं, तो 5 से आपको डिवाइड कर लेना है 54 को, तो 5 दाम बनेगा 50, 4 बच जाएगा 15 के 0, 5 8 40, तो ये बन जाता है 10.8 आंसर। आपका आंसर 10.8 जो कि सी ऑप्शन दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, और अलजेब्रा में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू देन द वैल्यू ऑफ एक्स ट्वेल्व माइनस वन अपॉन एक्स ट्वेल्व इज, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर दो दे दिया है, यहाँ पर दो दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक्स यानी कि वन है, तो वन प्लस वन अपॉन वन यानी कि वन प्लस वन दो बन जाता है, यानी कि एक्स का मान यहाँ पर वन होगा, और एक्स का मान अगर वन है तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है, वन का ट्वेल्व हो जाएगी पावर माइनस वन अपॉन वन की पावर ट्वेल्व, तो वन माइनस वन यानी कि जीरो आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं यानी कि टू आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस था इसलिए जीरो हो जाता। अब ये क्वेश्चन है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट इज, इसका तृतीय अनुपात ही आपको बताना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, इसके अपॉन में रखना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, और बराबर रखना है जो नीचे रखा है उसी को ऊपर रखेंगे इधर साइड में, एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट, और नीचे जो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है तो उसको मान लेते हैं हम ए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगी तो ये तो बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला जो वैल्यू है वो इनके अपॉन में चला जाएगा तो वो बन जाएगा, उसको भी आप निकाल लीजिए एक्स वाई एलसीएम लेकर, तो ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा एक्स वाई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो समझ में आया तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, कोई भी दो वैल्यू जो दी हुई है उनको एक दूसरे के अपॉन में रखते हैं वन अपॉन टू की रूप में, और इज इक्वल टू जो टू वाली है वो बराबर के साइड में ऊपर की तरफ आएगी और नीचे एक्स रख लेंगे या जो भी आपको फाइंड करना है, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, क्वेश्चन है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा। अब देखिए इसको समझते हैं, इस तरह से हमारा भाग होता है, इधर नीचे बीच में रखते हैं हम भाज्य, इधर होता है हमारा भाजक, इधर होता है भागफल, और नीचे जो आता है वो होता है हमारा शेषफल, ठीक। तो भाज्य का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल तो आपको दिया हुआ है 46, आपने डायरेक्ट रख दिया। क्वेश्चन है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। अब शेषफल हमारा है 46, 46 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाजक 230, ठीक। अब इसने ये भी बोला है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, अब भाजक तो हमें पता चल गया भागफल का 10 गुना है, तो हमें क्या करेंगे कि भागफल को 10 है, 10 में भागफल में 10 की गुणा करने की बजाय भाजक में 10 की मार्क कर देंगे तो आपको भागफल पता चल जाएगा, तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, ठीक है। 223 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5290 और प्लस 46, आप प्लस कर लेंगे 6, ठीक है, 9 और 4 13 3 5 5336 आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है।
सिंपल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक होता है आपका क्यूटेंट, ठीक है, क्यूटेंट तो होता है भागफल, डिविजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, ये बन जाता है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 द रिमाइंडर इज 16, द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन नंबर है आपके पास, 24, फिर दिया है 16 और फिर थर्ड नंबर पे दिया हुआ है 12, पहला 24, दूसरा 16 है और तीसरा 12, ठीक है। तीन नंबर है, इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले को क्रॉस कर लेते हैं और थर्ड वाले से सेकंड वाले को डिवाइड करते हैं, 12 से 16 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में चला जाएगा और शेष कितना बच जाएगा आपके पास, 4 बच जाएगा और यही 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं 10 क्वेश्चन, ये हमारा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 7, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। और ये मॉक टेस्ट की सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी, इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन मॉक टेस्ट के जरिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि तभी आपको हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। धन्यवाद।